वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांति बनिहार सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग एक्सरसाइज नंबर 3.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स। नेम ऑफ चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, टुडे वी टेक एग्जाम्पल नंबर, फर्स्टली एग्जाम्पल नंबर 15। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 3.5। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स टू इक्वेशन आर देयर गिवन बिलो एज यूनिक, 4x plus py plus 8 will be equal of 0 and 2x plus 2y plus 2 will be equal of 0. क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, हैज यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज द यूनिक सॉल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर देयर, थ्री टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर देयर। फर्स्ट वन इज द यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, but in the case of no solution, a1 by a2 will be equal of b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Last one, infinite many solution, what is the mean of the infinite many solution, student? a1 by a2 equal to b1 by b2 इक्वल टू सी वन बाई सी टू। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन, जब भी दो आपको पेयर दिया जाएगा, दैट मीन्स अ टू इक्वेशन, तो वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तीनों में से कुछ होगा। हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्टली कंडीशन, क्या कंडीशन दी है, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं सर हमको कैसे सॉल्व करना है बाय, ठीक है, 4x plus py plus 8 will be equal of 0 and 2x plus 2y plus 2 will be equal of 0, equation number first and equation number second, by using equation number first and second. By using equation number first and second, we have to find the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2. Student, a1, b1, c1, that means a coefficient of x, coefficient of y and constant term. Coefficient of x, coefficient of y and constant term, मतलब कहीं ना कहीं a1 will be equal of 4, b1 equal to p and c1 equal to 8, a2 will be equal of 2, b2 will be equal of 2 and c2 again will be equal of 2. ये आपको इतना समझ आया? देन आफ्टर, उसके बाद आपको निकालना है a1 by a2, that means 4 by 2, b1 by b2, that means p by 2 and c1 by c2 will be equal of 8 by 2. Student, ध्यान सुनेंगे, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कंडीशन दी है, अगर जो कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम इसको चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या है, बट यहाँ पर कंडीशन दी है सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, system has unique solution. What is the mean of the unique solution? a1 by a2 not equal to b1 by b2. What is the mean of the a1 a2? जरा ध्यान से देखेंगे, we getting 4 by 2 not equals to p by 2. देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है तो आप कर लीजिए, अगर जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। Then we getting p is not equal to 4. ठीक है, what is the demand of question? Question की demand क्या है, ध्यान से देखिए, for which value of p does the pair of equation, और मुझे यहाँ पर क्या मिला है, ठीक है, answer, ठीक है, according to the condition for the unique solution, p is not equal to 4. I hope student you getting the proper solution of this question. स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दैट मींस पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3 वाई माइनस के माइनस 3 विल बी इक्वल ऑफ 0, 12x प्लस के वाई माइनस के विल बी इक्वल ऑफ 0, गिवन बिलो हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपकी बात बताई है, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आर द थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस फॉर द
pair of linear equation in two variable. In the case of the unique solution a1 by a2 not equal to b1 by b2, no solution, that means both are equal. In many solution, that means a1 a2 equal to b1 by b2 and c1 by c2. देखिए सर, सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे, ठीक है? kx plus 3y minus k minus 3 will be equal of 0 and 12x plus ky minus k will be equal of 0, equation number first and equation number second. By using equation number first and second, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? यस और नो? यस. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी विल बी इक्वल ऑफ जीरो, दैट मीन्स आर बोथ कंटेन इन द वन साइड विल बी इक्वल ऑफ जीरो. सो ए वन इक्वल टू के, बी वन विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड सी वन विल बी इक्वल ऑफ माइनस के माइनस 3. स्टूडेंट नाउ टाइम फॉर ए टू विल बी इक्वल ऑफ 12, बी टू will be equal of k and c2 will be equal of minus k. Student, here the coefficient of x, coefficient of y and constant term, coefficient of x, coefficient y and constant term. Now what is the condition? Infinite many solution, take a system has infinite many solution. What is the mean of the infinite many solution student? जल्दी से मुझे कंडीशन बता दीजिए. a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ठीक है, infinite many solution. a1 by a2 that means k by 12 equal to 3 by k equal to minus k minus 3 होल बाय माइनस के. स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है, के विल बी कैंसल बाय के. के बाय 12 इक्वल टू 3 बाय के इक्वल टू के माइनस 3 होल बाय के. स्टूडेंट ठीक है, अब इनको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए. यहाँ तक तो आपको बहुत इजी तरीके से आ चुका होगा. अब मुझे वाट इज़ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के, मतलब मुझे के की वैल्यू निकालना है. मेरे पास कितने टर्म्स है? 1, 2, 3. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स. तो मैं कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए, मेनी रिलेशंस, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल है. मैं किसी भी एक दो रिलेशन को लेके के की वैल्यू को फाइंड करूँगा. नाउ वी टेक फर्स्ट विल बी इक्वल ऑफ सेकेंड, और आप बोल सकते हैं सर सेकेंड विल बी इक्वल ऑफ थर्ड, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. इन द केस ऑफ द के बाई 12 विल बी इक्वल ऑफ 3 बाई के, वी हैव टू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सच दैट के इंटू के विल बी इक्वल ऑफ के स्क्वायर एंड 12 इंटू 3 विल बी इक्वल ऑफ 36. सो के विल बी इक्वल ऑफ रूट 36. सो के इक्वल टू प्लस माइनस 6 सच दैट के विल बी इक्वल ऑफ 6 एंड के विल बी इक्वल ऑफ माइनस 6. I hope you getting the first solution. Here k will be equal of 6 and k will be equal of minus 6. आपको इतनी बात समझ आ गई? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, we getting the relation between them. मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, देन वी गेटिंग k इक्वल टू 6 और k विल बी इक्वल ऑफ माइनस 6. नाउ ठीक है, सेकेंड 3 बाई के एंड k माइनस 3 बाई के. हियर k हैज अ डिनोमिनेटर, सो k विल बी कैंसल बाय द k. देन वी फाइनली गेटिंग 3 will be equal k minus 3. 3 negative convert into the form of positive, so k will be equal of 6. Student, we getting the number of solutions, k will be equal of 6, k will be equal of minus 6, or bhi kuch bhi solution ho sakte kyu? According to the condition, there is the infinite many solutions, so resultant answer k will be equal of 6 and k will not equal to 6, that means k will be equal of minus 6. I hope you getting the proper solution of this question for the condition infinite many solution. Student, now we taking the first question of the exercise number 3.5. x plus y will be equal of 5, 3x plus 2 equal to 8,
सबसे पहले हमको क्या करना है सर, वी हैव टू चेक सिस्टम हैज द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन आफ्टर इवन इन यूनिक सॉल्यूशन देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। ये है पूरी डिमांड क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ फाइव एंड 3x plus 2 will be equal of 8, equation number first and equation number second. By using equation number first and equation number second. ठीक है, अगर जो मैं ध्यान से देखूँ पॉजिटिव 5, ठीक है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेटिंग ए वन इक्वल्स टू वन, बी वन इक्वल्स टू वन एंड सी वन इक्वल्स टू माइनस फाइव, ए टू इक्वल टू थ्री, बी टू इक्वल टू टू एंड सी टू इक्वल टू माइनस एट। स्टूडेंट क्या करा अभी तक हमने, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, ठीक है, देन वी गेटिंग विल बी इक्वल ऑफ जीरो, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ओके स्टूडेंट, नाउ इसके बाद देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन बाय ए टू विल बी इक्वल ऑफ वन बाय थ्री, बी वन बाय बी टू विल बी इक्वल ऑफ वन बाय टू एंड सी वन बाय सी टू विल बी इक्वल ऑफ माइनस फाइव बाय माइनस एट इक्वल टू फाइव बाय एट। सो ठीक है, कहीं ना कहीं हम पहले फर्स्ट पार्टी को सेकेंड पार्टी से कंपेयर करते हैं, क्या 1 बाय 3 1 बाय 2 के इक्वल है, यस और नो, दैट मींस नो सिस्टम है। सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज कंप्लीट फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। We have to verify unique solution, no solution, infinite many solution. Demand of question, second part. If system has unique solution, then we have to find the value of x and y. What is the formula under the unique solution? X equals to b1 c2 minus b2 c1, y c1 a2 c1 a2 minus c2 a1, and last one 1 a1 b2 minus a2 b1. Student, x upon b1 c2, b1 c2 that means a 1 into minus 8, b2 c1 that means a 2 into minus 5, y c1 a2, c1 a2 that means a minus 5 into 3, minus c2 a1, minus 8 into 1 will be equal of 1 by a1 b2, a1 b2 that means a 1 into 2 minus a2 b1 that means a 3 into 1. Student, b1 c2 minus b2 c1, c1 a2 minus c2 a1 and a1 b2 minus a2 b1. Now minus 8 minus minus plus 5 to jar 10 will be equal of minus 15 and minus minus plus 8 will ja 8 2 minus 3 such that x plus minus minus 10 minus 8 will be equal to 2 plus minus minus that means minus 7 and finally minus 1. Ab we have to find the value of the x and y. Toh hum kya karenge student, first time x compare with the constant and y compare with the constant such that x by 2 equal to y by minus 7 and y by minus 7 equal to 1 by minus 1. ध्यान से देखिए, सबसे पहले x वाले को हमने constant से compare करा और फिर y वाले को constant से compare करा. So we getting x equal to 2 1 जा 2 upon 1 but x will be equal to minus 2 and finally y minus 7 minus 1 such that y will be equal of 7. I hope student you getting the solution of the first question. What is the demand of question? फिर से सुनते हैं, पहले तो हमको ये बताना system has the unique solution, no solution or infinite many solution. तो हमने चेक करा a1 b1 c1 a2 b2 c2, then we getting a1 a2 b1 b2 and c1 c2.
then we finally getting a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That means a unique solution. In the case of the unique solution, by use of formula, जल्दी से बोलिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, x by b1 c2, b2 c1, c1 a2, a2, very good. वैल्यू को पुट करा, ठीक है, x कंपेयर विद द लास्ट टर्म, y कंपेयर विद द लास्ट टर्म, सो वी गेटिंग x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 7. Now, student, we are taking the first question of the question number 2, infinite many solution. What is the demand of the question? Infinite many solution, 2x plus 3y equal to 7, a minus b, x plus a plus b, y will be equal to 3a plus b. देखिए सर, सबसे पहले ये जो question है, ठीक है, मैं इसको equation number 1st और equation number 2nd से introduce कर देता हूँ. By use of the equation number 1st and 2nd, by using 1st and 2nd, a1 equal to 2, b1 equal to 3, c1 equal to 7, a2 equal to a minus b, b2 equal to a plus b, and c2 equal to 3a plus b minus 2. देखिए, काफी complicated हो सकता है क्वेश्चन, उलझिएगा मत. ठीक है, सिस्टम क्या बोल रहा है यहाँ पर, सिस्टम has infinite many solutions. System has infinite many solution. What is the demand of the infinite many solution? मतलब कहीं ना कहीं a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 such that 2 by a minus b equal to 3 by a plus b equal to 7 by 3a plus b minus 2. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो वी टेकिंग रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड. 2a minus b equal to 3a plus b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सो वी गेटिंग 2a plus b equal to 3a minus b. स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. सो ध्यान से देखिए, 2a दैट मीन्स प्लस, कन्वर्ट इनटू द माइनस, 2b नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव विल बी इक्वल ऑफ 0, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 विल बी इक्वल ऑफ 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ए और बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है. देन सेकेंड रिलेशन, 3 बाय ए प्लस बी इक्वल टू 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2, दिस इनटू दिस, 7 ए प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, 7 वन जा 7, गजब, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7a पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, 7b पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, एंड नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव. देन फाइनली वी गेटिंग -2a प्लस माइनस माइनस, 4b प्लस 6 इक्वल टू 0. स्टूडेंट 2 कॉमन ले रहा हूँ और सामने 0 के अपॉन में छोड़ दे रहा हूँ. Then we getting minus a plus 2b plus 3 will be equal of 0. Equation number 2nd. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, by equation 1st and 2nd. आपको इतना समझ आया नहीं आया, वेरी गुड. सबसे पहले by equation 1st and 2nd we getting the value of the a1 b1 c1 a2 b2 c2. हो गया इतना. System has the infinite many solution. That means a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. सारी वैल्यू को पुट करा, फर्स्ट सेकेंड को ले लिया है, सेकेंड थर्ड को ले लिया है, वी गेटिंग द टू इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन जल्दी से बोलिए, माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू 0, देन आफ्टर माइनस ए प्लस 2b इक्वल्स टू पॉजिटिव, कंसिडर एज अ नेगेटिव, पॉजिटिव 3 कन्वर्ट नेगेटिव 3. अब साइन को चेंज करा,
ठीक है, देन वी गेटिंग प्लस माइनस माइनस, थ्री बी विल बी इक्वल ऑफ थ्री सच दैट बी इक्वल टू थ्री बाय थ्री इक्वल टू वन, वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ बी बाय इक्वेशन फर्स्ट, माइनस ए प्लस फाइव बी इक्वल टू जीरो, माइनस ए प्लस, ठीक है ये है इक्वेशन, बी बी रिप्लेस बाय वन, ठीक है सच दैट वी गेटिंग ए विल बी इक्वल ऑफ फाइव, स्टूडेंट दैट इज द प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है ए विल बी इक्वल ऑफ फाइव एंड बी विल बी इक्वल ऑफ वन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू, सिस्टम हैज द नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज द नो सॉल्यूशन, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेन द सिस्टम इज द नो सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए सबसे पहले, ठीक है मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर टू डिसाइड कर रहा हूँ बाई यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ए वन इक्वल टू थ्री, बी वन इक्वल टू वन, सी वन विल बी इक्वल ऑफ वन, ए वन बी वन सी वन, इन द केस ए टू, आप सोच रहे होंगे सर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं करें, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मुझे फॉर्मूला पुट करना है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन सी वन वाला, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी कर रहे हैं, मतलब कंडीशंस कर रहे हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वन बी वन सी वन, ए टू ए टू विल बी इक्वल ऑफ टू के माइनस वन, बी टू इक्वल टू के माइनस वन एंड सी टू विल बी इक्वल ऑफ टू के प्लस वन, स्टूडेंट ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। नाउ टाइम फॉर कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन व्हेन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द नो सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और फिर भी हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आप सोचेंगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हाउ टू सॉल्व फॉर द के, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे ये बात क्लियर भी करूंगा प्रैक्टिकली, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन दैट मीन्स अ ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू सच दैट ए वन बाय ए टू दैट मीन्स अ थ्री बाय टू के माइनस वन इक्वल टू वन बाय ए के माइनस वन नॉट इक्वल टू वन बाय टू के प्लस वन। हियर वी हैव द थ्री कंडीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर आप इन दोनों को ही क्यों ले रहे हैं, वी चूज थ्री बाय के माइनस वन इक्वल टू वन बाय के माइनस वन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर जो हम इन दो की जगह पर इधर लेंगे ये नॉट इक्वल का साइन है दैट मीन्स के नॉट इक्वल टू थ्री, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि थ्री आ रहा है के नॉट इक्वल टू थ्री दैट मीन्स के की वैल्यू थ्री नहीं है, तो के की करेक्ट वैल्यू क्या है, तो कहीं ना कहीं मुझे इक्वल वाला लेना पड़ेगा, सो वी चूज दिस विल बी इक्वल ऑफ दिस बाय यूज ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेटिंग द वैल्यू थ्री इंटू के माइनस वन विल बी इक्वल ऑफ वन इंटू टू के माइनस वन, स्टूडेंट थ्री इंटू के दैट मीन्स अ थ्री के, थ्री इंटू दिस दैट मीन्स अ थ्री के इंटू दिस दैट मीन्स अ टू के एंड माइनस वन, ठीक है आपको आ रहा है पॉजिटिव कन्वर्ट इंटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव कन्वर्ट इंटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, सो फाइनली वी गेटिंग प्लस माइनस माइनस के एंड प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस वन विल बी इक्वल ऑफ टू, स्टूडेंट ठीक है के विल बी इक्वल ऑफ टू। अब लास्ट वन आप ये सोचेंगे We getting the k will be equal of to y. सर आपने तो बोला था सिस्टम हैज द नो सोल्यूशन मतलब कहीं ना कहीं ये सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए था, फिर ये सोल्यूशन कैसे आया, सर सिस्टम हैज नो सोल्यूशन दैट मीन्स x और y का सोल्यूशन नहीं होगा बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड k will be equal of to no solution that means x or y solution नहीं देंगे but we have हमको find करना था value of k and result
के विल बी इक्वल ऑफ टू, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड विद द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 3.5. आई एम आसिम कुमार मंडल, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा.